एनएसयूआई मेडिकल विंग के नेतृत्व में भोपाल के जेपी हॉस्पिटल पहुंचकर छात्राओं ने प्रदर्शन किया। छात्राओं का कहना है कि वह शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए 2023 में पीएनएसटी का एग्जाम दे चुकी हैं, लेकिन उसका परिणाम अभी तक जारी नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज घोटाले का मामला भी थमा नहीं था कि एक और मामला निकलकर सामने आ गया है। दरअसल 2022-23 सत्र में शासकीय नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए पीईबी द्वारा परीक्षा ली गई थी, जिसके परिणाम एक साल बाद भी घोषित नहीं किए गए हैं। परिणाम में देरी से छात्र छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे नाराज छात्राओं ने राजधानी भोपाल में डेरा डाल दिया है और प्रदर्शन कर रही हैं। और हम लोग MPPNST 2022 का जो एग्जाम है वो जो 2023 में हुआ था, तो उसका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसके लिए हम CM सर के पास आए हैं कि वो हमारा रिजल्ट जारी करें। और सर, जिस तरह CM सर के द्वारा अभी ये बोला गया है कि नए एग्जाम के लिए मतलब नया आयोग बनाया जाए और उसके अकॉर्डिंग नया एग्जाम हो, पर हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट पहले जारी किया जाए। 2022 का एग्जाम जिस तरह 2023 में हुआ था, उसी तरह हमारा रिजल्ट जारी करके या तो हमें 2024 में ही एडमिशन दिया जाए, पर हमारा रिजल्ट रद्द ना किया जाए। क्योंकि सर, हम लोग बहुत परेशान छात्रा हैं और सर सभी मतलब कुछ लड़कियां जो है जो ओवर एज भी हो चुकी हैं सर, जो नेक्स्ट एग्जाम में अपीयर नहीं कर पाएंगी। और सर, जब हम डिप्टी CM के यहाँ गए थे रीवा, तो वो सर ने हमको आश्वासन दिया था और आदर्श वाजपेयी जो हैं उनको कॉल करके बोला गया था उनके द्वारा कि इनका रिजल्ट जारी करने के लिए बोला जाए और जो नया शेड्यूल जारी कर दिया है ESB ने टेंटेटिव डेट, तो उसको हटाया जाए। पर अभी तक की इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और सर, हम चाहते हैं कि जिस तरह DCM सर ने हमको आश्वासन दिया था, उसी तरह CM सर हमको रिजल्ट दें। मैं इंदौर से आया हूँ, मैं बच्चों के साथ आया हूँ। पिछले साल सर 2022 का रिजल्ट जो एग्ज़ाम था वो 2023 में लिया गया। 23 में लेने के बाद भी अभी 11 महीने हो चुके हैं, इसका रिजल्ट नहीं आया गया है। इसका जो नर्सिंग घोटाला, उससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है। तो मध्य प्रदेश सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और बच्चों का जल्दी जल्दी रिजल्ट जारी करना चाहिए। कुछ बच्चे इसमें ऐसे हैं कि जो ओवर एज हो जाने वाले हैं, अगर ये एग्जाम में उनका रिजल्ट नहीं आता तो बच्चे ओवर एज हो जाएंगे। अब ओवर एज हो जाएंगे तो फिर वो आगे क्या करेंगे, उनका तो भविष्य खत्म हो गया है। तो हम सरकार से यही गुहार करते हैं कि प्लीज बच्चों का जल्दी से जल्द रिजल्ट जारी किया जाए। वहीं NSUI नेता रवि परमार ने बताया कि व्यापम ने प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट की परीक्षा जुलाई 2023 में आयोजित करवाई थी, जिसमें 66,000 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। करोड़ों रुपए परीक्षा शुल्क के रूप में PB द्वारा लिए गए थे, लेकिन एक साल से रिजल्ट जारी नहीं किया। वहीं प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों में धड़ल्ले से प्रवेश हो रहे हैं, जिससे सरकार की मंशा साफ हो चुकी है। प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों को मुनाफा पहुंचाने के लिए ही अब तक परिणाम घोषित नहीं किए गए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।